उत्तर प्रदेश में हर साल की तरह इस साल भी मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ ये मानसून कुछ जिलों के लिए आफत बनकर आया है। जो लोग घाघरा किनारे बसे हैं उनके लिए ये तबाही का जीता जागता मंजर है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बरसात के कारण घाघरा का जलस्तर चेतावनी के निशान से काफी ऊपर हो चुका है। बहराइच के एल्गिन ब्रिज की देखरेख करने वाले जल विभाग के कुशल कार्य सहायक ने बताया कि घाघरा नदी का जलस्तर पिछले 24 घंटों में 25 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ गया है और प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही बताया कि नेपाल के पानी छोड़े जाने के बाद स्थिति और भी खराब हो जाएगी। वहीं जलस्तर बढ़ने के कारण बहराइच के कई गाँव में या तो कटान शुरू हो चुकी है या फिर जल्द ही शुरू हो जाएगी। जिला प्रशासन की माने तो हालात काबू में होने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन वास्तविक स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। वहीं प्रशासन ने पिछले साल बांध पर बसे कटान पीड़ितों से बांध खाली कराने के आदेश भी जारी कर दिए, लेकिन उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है, जबकि एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हर बार कोई न कोई नेता, मंत्री और अधिकारीगण बाढ़ में यहाँ आते हैं, सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिलता। नदी हर बार गांवों को काटती जाती है और हमारा गांव छोटा होता जाता है। सरकार किसी प्रकार का कोई आश्रय नहीं देती। हम अपने घरों को उजड़ता हुआ देखने को मजबूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि बाढ़ में सैकड़ों मवेशी हर साल मर जाते हैं और किसानों को हर साल अपनी बर्बादी का नजारा देखने को मजबूर होना पड़ता है। बुरी हालत है रोड की, और क्या लोग परेशान है, आने जाने की तकलीफ हो रही है। रात में कोई बीमार पड़ जाता है, पानी से पूरा लबोलब ये भरा हुआ है, ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? क्या दिक्कत नहीं होती है रात में? पूरी है, दूसरी साइड से ही जाएंगे। कितना लगभग डिस्टेंस है उसका? मान लीजिए कि दूसरी तरफ का रास्ता वही आपका 5-6 किलोमीटर। बहराइच से जनमत न्यूज के लिए रिजवान खान की रिपोर्ट।